हे गाइस, वेलकम टू द चैनल विजडम सीए। और जो आपका सीए आईपीसीसी ओल्ड ग्रुप का एडवांस अकाउंट का जो पेपर है उसमें कुछ चैप्टर्स चेंज हो गए हैं। मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। खास तौर से ये वीडियो ओल्ड ग्रुप के लिए है, न्यू ग्रुप के लिए नहीं है। सो न्यू सिलेबस के लिए वीडियो नहीं है, ओल्ड सिलेबस के लिए वीडियो है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है। आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाली हुई थी, एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल फॉर नवंबर 2018 एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट आईपीसी ओल्ड कोर्स। अब ये जो नोटिफिकेशन थी 3 अगस्त 2018 को आईसीआई ने निकाली हुई थी, जिसकी एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद आईसीआई ने एक और नोटिफिकेशन निकाली, जिसमें कि आईसीआई ने बताया था कि यहाँ पे जो आपका एडवांस सॉरी जो आपका सी आईपीसीसी अकाउंट्स का जो पेपर है, अकाउंट्स के पेपर में कुछ चेंजेस मीन्स चैप्टर 1, 2 एंड 6 वो चेंज हो रखे हैं। मीन्स अगर आपके पास जुलाई 2015 या उससे पहले की मटेरियल अवेलेबल है, जो आपका जो स्टडी मटेरियल है, सो स्टडी मटेरियल अगर आपके पास जुलाई 2015 या उससे पहले का अवेलेबल है, तो कुछ चैप्टर्स जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6 वो कुछ उसमें चेंजेस हो रखे हैं। उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर के आप आईसीआई अनाउंसमेंट की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सी आईपीसीसी ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट्स पेपर के बारे में। एडवांस अकाउंट का जो पेपर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली सेपरेट कोई आईसीआई ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली थी, लेकिन इसी में आईसीआई ने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जुलाई 15 का जो मटेरियल है, इसमें कुछ चैप्टर्स कुछ अमेंडमेंट्स हैं, और ये अमेंडमेंट्स हैं चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 5 में एंड चैप्टर नंबर 6 में। सो चैप्टर नंबर 2, 4, 5 एंड 6, सो इसमें आपको पैनिक होने की बात नहीं है। बिल्कुल इत्मीनान से आप जो मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, उस लिंक से आप अपनी बुक को चेक कर लीजिएगा, आपका जो स्टडी मटेरियल है। सो अभी हम स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल के चैप्टर नंबर 2, 4, 5 एंड 6 में कुछ चेंजेस हैं। एक बार आप अपनी बुक ओपन करके पहले आप एडिशन देख लीजिएगा कि जुलाई 2015 का एडिशन है या उसके बाद का एडिशन है। अगर जुलाई 2015 के बाद का एडिशन है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर जुलाई 15 या उससे पहले का एडिशन है तो यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। मीन्स चैप्टर नंबर 2, 4, 5 एंड 6 आपको देखना पड़ेगा वेब होस्ट मीन्स BOS नॉलेज पोर्टल से। अब मैं आपको बताता हूँ BOS नॉलेज पोर्टल पे आप कैसे जाएंगे। और हाँ, ये सारी की सारी जो भी अनाउंसमेंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं। सो BOS नॉलेज पोर्टल में जाने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा स्टूडेंट के सेक्शन में, देन यहाँ पे देख सकते हैं BOS नॉलेज पोर्टल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, एक तो ऊपर न्यू स्कीम है, सो न्यू स्कीम में आपको नहीं जाना है, आपका ओल्ड स्कीम है तो ओल्ड स्कीम में जाना है आपको। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंस कोर्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पहला आ जाएगा अकाउंट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड पॉडकास्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी चूज करेंगे, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम चूज करेंगे। इंग्लिश मीडियम जैसे कि मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपका जो स्टडी मटेरियल है और यहाँ पे एक प्रैक्टिस मैनुअल है, तो फिलहाल में चेंजेस जो है स्टडी मटेरियल में ही है। तो स्टडी मटेरियल जो है उसमें आप चेक कर लेंगे, स्टडी मटेरियल में क्या चेक करना है आपको। चैप्टर नंबर 2 एक बार हम देख लेते हैं कि एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस थे चैप्टर नंबर 2, 4, 5 एंड 6। सो चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हल्के फुल्के बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, हल्के फुल्के चेंजेस होंगे, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल बात नहीं है। चैप्टर नंबर 2, 4, 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 4 हम देखते हैं कंपनी अकाउंट में। अब क्योंकि कंपनी अकाउंट थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आप अच्छे तरीके से आप एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप एक बार यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंपनी अकाउंट में। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, तो ऐसी PDF आ जाएगी और इसको आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस एक बार आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट कुछ हैं तो कॉन्सेप्ट भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ इसमें हो सकता है कि डेटा हल्का फुल्का चेंज हो कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में हो सकते हैं कि हटा दिए गए हों, और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी चेंज हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 हो गया, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, तो ये चैप्टर्स हैं जो कि चेंज हो रखे हैं। सो अगर आपके पास जुलाई 2015 या उससे पहले का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने स्टडी मटेरियल से। पहले आप एडिशन चेक कर लीजिएगा, उसके बाद एडिशन चेक करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया BOS नॉलेज पोर्टल में जा करके, और आपको चेक करना है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। वैसे
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जा करके और डायरेक्टली आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, सो लिंक पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आप डायरेक्टली हर एक जो चैप्टर्स हैं जो कि चेंज हो रखे हैं वहाँ पे आप क्लिक करके और अपनी बुक से डायरेक्ट मैच कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी अपडेशंस, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट्स होते रहते हैं, सारी की सारी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।